वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में आप लोग साथ ना मेकअप ट्राई करने वाली हूँ मीशो से, जो मैंने बहुत ज़्यादा सस्ता खरीदा है। लाइक लिटरली हेयर वी हैव सम प्रोडक्ट्स, लाइक मैंने फुल फेस ऑफ मीशो का परचेज किया है। एंड लेट मी टेल यू, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ ऐसे भी मैंने कुछ परचेज किए हैं। लाइक लिटरली आई हैव बॉट दिस आर्टिफिशियल नेल्स ऑल्सो फ्रॉम मीशो, यू कैन सी। एंड जो मैंने लेंस पहने हुए हैं ना, ये भी मीशो से हैं ऑफकोर्स। एंड अभी थोड़ा सा ना, बिकॉज अभी तक मेरा जो वो नज़ला जुकाम है ठीक नहीं हुआ, इस वजह से थोड़ा उसके साथ स्ट्रगल कर रही हूँ मैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ऑडियो में थोड़ा सा बैक नॉइज आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे एसी चल रहा है इस वजह से, ठीक है। अभी इस वीडियो को मैं अगर वॉइस ओवर के थ्रू करती तो आप लोगों का वो फन एलिमेंट जो रहता ना इस वीडियो में, तो वो खत्म हो जाता, बिकॉज रोस्ट नहीं कर सकते हम, या फिर हम बात नहीं कर सकते ऐसे। या ये तीनों चीजें मुझे 50 रुपीज में मिली थी, 52 रुपीज में, एक काजल एंड एक आई लाइनर, दिस आई लाइनर, पेन आई लाइनर, काजल एंड दो ये चैपस्टिक्स, इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये मुझे 52 रुपीज में ये वाला कॉम्बो मिला है, 59 रुपीज में, यस दैट चीप। आई डोंट नो इनका, इनमें प्रोडक्ट्स क्या है, इनमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, थोड़ा सा स्केप्टिकल भी हूँ मैं इस वीडियो को लेके, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पिंपल की सिचुएशन देयर हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ मैंगोज एंड दैट सम हार्मोनल चेंजेस की वजह से। सो बात करें सबसे पहले मैं नेल्स की बात करूंगी, तो ये नेल्स मैंने लिए हैं 50 रुपीज़ के मीशो से ही। ये मैंने लेंस लिए हैं, ये भी कुछ 50 रुपीज़ के ही आए हैं लेंस भी। और ये ना जो लेंस है ये मेड इन कोरिया है, सी मैंने इनको संभाल के रखा, यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओरिव्यू करके एक ब्रांड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओरिव्यू करके ब्रांड है एंड ये मेड इन कोरिया लेंस है। एंड आपको ये लेंस केस भी इसमें मिल जाता है, आई थिंक इट्स डैम गुड। अगर आपको वन टाइम यूज के लिए चाहिए लेंसेज तो आई थिंक बहुत अच्छे हैं। चलो ये आपको ना ये चैपस्टिक्स मिल जाती हैं। सबसे पहले मैं लिप बाम ही लगाने वाली हूँ बिकॉज लिप्स मेरे ड्राई हो रहे हैं। यू कैन सी ये दो चैपस्टिक्स आपको मिल जाएंगे इस कॉम्बो में। एंड दोनों पता क्या है, जो एक ऐसी कलर की, ये वाली लिपस्टिक तो आपको याद होगी जो ग्रीन कलर की होती है और उसके बाद एक रेड कलर में आपको टेंट देके जाती है ना, एग्जैक्टली वैसा ही है सो इनका कॉन्सेप्ट। और या ये है पिंक मैजिक लिप्स, इसका नाम है, सो लेट्स ट्राई आउट दिस। इनको मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था बिकॉज जब ये पार्सल मेरे पास आया था ना, ये लिटरली मेल्ट हुई पड़ी थी, सो मैंने इनको इंस्टेंटली फ्रीजर में रख दिया था। एंड मैंने कोई भी प्रोडक्ट अभी तक ट्राई नहीं किया है। फ्रीजर में रखने के बावजूद ये बहुत स्मूथली ऐसे ग्लाइड ऑन हो रही है। इसका फॉर्मूला ना काफी, यू कैन सी इंस्टेंटली ये मेरी जो लिप्स के ऊपर ना वो होने शुरू हो गए हैं, ये पिंक होने शुरू हो गए हैं। बट दिस प्रोडक्ट इज लाइक वेरी वैक्सी साइज का फॉर्मूला है। लाइक लेट मी शो यू, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है। सो हल्का सा पिंक टिंट आपके लिप्स के ऊपर आता है बट इट्स नॉट हाइड्रेटिंग, यू कैन सी लिटरली एकदम कलर चेंज हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको भी अप्लाई कर लेती हूँ, दिस वन। स्टार्ट करेंगे स्टूडियो मैक फिक्स के साथ। यस, यहाँ पे मेरे पास मैक, हुडा ब्यूटी, बहुत सारे ब्रांड्स आपको वो भी मिलने वाले हैं, मैंने बहुत सस्ते में परचेज किए। सो प्रेप प्लस प्राइम एसेंशियल ऑयल है ये, यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसको हम अप्लाई करने वाले हैं एंड या आई एम गोना ruin my skin today because pre plus prime, okay, not prep plus prime, this is pre plus prime essential oils, ठीक है। ये ना एक made in China product है, of course I am pretty sure, because 30-40 rupees में I think मैंने इसको purchase किया है। So let me open this first. Oh, it smells so bad. So let's try out some drops of this product. This is a see. Okay, इसकी अपनी तो कोई स्मेल नहीं है,
इसके नवी मुझे बहुत, ये एक प्राइमिंग ऑयल है एक तो गर्मी पसीना ऊपर से प्राइमिंग ऑयल, ये मैं कर क्या रही हूं। तब ये ऑयली सा क्या है मुझे नहीं पता, इसमें कोई प्रेप प्लस प्राइम कुछ भी ऐसा नहीं है। सो आई थिंक फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा फेल हो चुका है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये बहुत ही गंदा लग रहा है, इसको हटा देती हूँ। इस प्रोडक्ट से ना मेरी हाई होप्स है, बिकॉज एक तो सबसे पहले ये देखो ये ब्रांड कौन सा है, एले गर्ल, ठीक है, वी नो कि ये एक डुप्लीकेट ब्रांड है, बट इसमें ना ये बहुत सस्ता मिला मुझे मीशो के ऊपर। ये 150 और 140 में, लाइक ये तीन प्रोडक्ट्स मिले एले गर्ल के। यू कैन सी कलर करेक्टर एंड कंसीलर्स, यू कैन सी कॉम्बो में आपको ये मिल जाएंगे। हेयर यू कैन सी, मतलब लिटरली बिल्कुल एले गर्ल की ये कंप्लीट कॉपी। मैंने यहाँ पे ऑरेंज वाला कलर करेक्टर लिया है, इसके साथ जो भी डिसकलरेशन है ना उसको मैं दूर करने वाली हूँ। एंड फिर यहाँ पे ग्रीन कलर करेक्टर भी है, इसके साथ अपनी रेडनेस को आप कवर कर सकते हो, बट आई एम नॉट गोना लेयर टू मच। तो मैं सबसे पहले सिर्फ ऑरेंज वाले करेक्टर के साथ ही यू नो काम करने वाली हूँ। ये खुल जाए पहले, तेल लगाया ना जो मैंने प्रेप प्लस प्राइम लगाया है ऑयल, उसकी वजह से ये खुल नहीं रहा था। सो या यू कैन सी यहाँ पे बिल्कुल पैकेजिंग भी लिटरली सेम है, लाइक जो हमारी आती है ना एले गर्ल की ब्रश वाली पैकेजिंग आती है, लिटरली इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। गाइड माय स्किन, ओ गॉड, दिस हैज स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, लाइक सेंट होता है ना पाउडरी सी फ्रेग्रेंस है इसमें। मेरे पास मीशो से यहाँ पे मैंने ब्रश सेट भी परचेज किया है, जो कि बहुत ही ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत सस्ते ब्रश है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। एंड आई हैव दिस कॉम्बो ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर का भी, ओशन ब्यूटी करके एक ब्रांड है, यू कैन सी, ठीक है। तो बॉक्स भी मुझे रिसीव हुए हैं एंड बहुत अच्छी, यू नो पैकेजिंग वाइज बहुत अच्छे लगे मुझे। बट इसमें ना बहुत सारे जो ये ब्यूटी ब्लेंडर है ना, इनमें दो कुछ ऐसे तरह से जैसे चूहों ने इनको कतरा होना ऐसे लग रहे हैं मुझे, ठीक है। ये पिंक वाला भी कुछ ऐसे या चूहों ने, ये वैसे इनकी मतलब खराब है, बट बहुत सॉफ्ट नहीं है, यू नो बहुत सस्ते वाले लिटरली फील हो रहे हैं। बाकी पैकेजिंग वाइज मुझे अच्छे लगे, बट दीज टू जो है ये वाले जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल के हैं, ठीक है। इनकी शेप भी कुछ डिफरेंट है, जो मुझे पर्सनली पसंद आती है ना वो वाली शेप है। सो इनको मैं फटाफट से डैम्प करके आती हूँ। ये थोड़ा सा ये कूल भी गया अभी, और यू नो डैम्प करने के बाद काफी और ज्यादा स्क्वीशी सॉफ्ट हो चुका है। So now let's blend out this pig color corrector, orange color corrector. Okay, बहुत अच्छी pigmentation है इसकी, काफ़ी ज़्यादा सही लगी। You know, बहुत बार ना जो सस्ते करेक्टर्स होते हैं वो एकदम absorb हो जाते हैं। For example, मैंने NYB जो है ना purple के ऊपर जो मिलता है, बहुत सस्ता brand है वो भी, उसका color corrector try किया था एक बार। You can see इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी pigmentation है, वो तो लिटरली मतलब दिखता ही नहीं है स्किन के ऊपर। ओके जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, बेस प्रोडक्ट। इसको मैं ट्राई करूंगी, यूज करूंगी, ये वाला हाइलाइटिंग कंसीलर भी मैं यूज करूंगी आगे वीडियो में। अब मेरे पास है दो प्रोडक्ट, ठीक है, बेस मेकअप के लिए। सबसे पहले तो ये मैक का सिलेक्ट कवर अप, बाकी क्या लिखा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मैक का फाउंडेशन भी है, जो इस तरह की टाइनी सी ट्यूब में मुझे मिला। एंड आई ऑल्सो हैव दिस आई मैजिक फुल कवरेज फाउंडेशन। दिस फाउंडेशन इज जस्ट फॉर 132 rupees, 140 rupees या 132 rupees, इतने में मुझे मिला ये वाला फाउंडेशन। एंड लुक एट दिस शेड, आई थिंक ये वाला शेड काफी ज्यादा डार्क रहेगा मेरी स्किन के ऊपर। सो वट एम गोना डू, आई विल डू कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग विद दिस फाउंडेशन। सो यू कैन सी ये इस तरह से ड्रिप कर रहा है लिटरली, एंड आई थिंक शेड मैच हो जाएगा मेरी स्किन के साथ। सी स्किन के ऊपर इरिटेशन नहीं हो रही मेरी, लाइक कोई ऐसे नहीं लग रहा कि कुछ लगाया हुआ है। सब जो भी चीजें अभी तक लगाई ना सभी बहुत लाइट वेट लग रही हैं। सो या दैट्स दैट, आई थिंक ज्यादा वाइट लग रहा है ये मेरे फोरहेड पे।
देखो भाई, मैं आप लोगों को कोई प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करने वाली हूँ, सजेस्ट नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज ये बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स हैं। 40, 50, 60 आजकल इतनी महंगाई में कोई भी चीज़ इतनी सस्ती नहीं होती है। ये वीडियो मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना रही हूँ। अगर आप कुछ भी ट्राई करोगे ना तो आपकी जिम्मेवारी है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूँ पहले ही, बिकॉज मुझे पता है मेरा ये जॉब है, ठीक है। लुक एट दिस फिनिश, यू नो, ऐसी फिनिश ना मुझे मतलब बहुत हजारों खर्च के भी नहीं मिली। पॉन टू कंसीलर अगेन मैं यूज करने वाली हूँ, ये प्रो कंसीलर, थोड़ा सा लाइट शेड, ये मैसी हो पड़ा सारा, कोई बात नहीं, चलो यूज करते हैं। काफी येलोइश सा लग रहा है ये वाला, बहुत ही ज्यादा येलो है, या लिटरली ये येलो कलर का कंसीलर है, एंड बहुत ज्यादा नहीं मैं अप्लाई करूंगी। बस मैंने निकाला तो बिल्कुल भी नहीं है, ये खुद ही निकला हुआ पहले ही। एंड यू नो, मैं दिल से चाहती थी कि मैं सस्ते प्रोडक्ट्स अगर ट्राई करूँ ना, एंटरटेनमेंट तो है, बट आई वॉज लाइक, वो था ना अंदर से मेरे दिल में ये होप थी कि कहीं ये बिल्कुल फेल ना हो जाए, बिकॉज वीडियो बनाते टाइम हमें मजा भी आना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स वेस्ट हो रहे हैं वन बाय वन, और पैसा भी मतलब आपका गड्ढे में जा रहा है, तो वो भी है। अभी मैं ना इस फाउंडेशन को यूज करने वाली हूँ ब्रॉन्जर के लिए, बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट फॉर ब्रॉन्जिंग और कॉन्टोरिंग, सो ये फुल कवरेज फाउंडेशन लूंगी मैं। आई मैजिक आई थिंक एक अच्छा ब्रांड है, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया कभी भी, बट मैंने सुना है कि आई मैजिक, देखा है शायद मैंने, और ये पंप बॉटल में मिल जाता है। लुक एट द बॉटल गाइस, मतलब कितनी बढ़िया बॉटल है, पैकेजिंग तो मतलब बहुत ही अच्छी है इसकी, 10/10। सो मैंने इतना सारा प्रोडक्ट लिया है, यू कैन सी कितना ज़्यादा डार्क है ये, तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपनी कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग के लिए। अभी बहुत सारा फेस मेरा ऐसे लग रहा है अजीब सा, सो आई एम गोना यूज दिस सेम स्पॉन्ज। अपने फेस को सेट कर लूं, तो ये अभी जस्ट रिसीव हुआ, सुबह आया मेरे पास। स्ट्रीट स्ट्रगलर करके ये ब्रांड है, एंड इसमें एक कॉम्पैक्ट पाउडर है, या यू कैन सी, ठीक है, इस तरह की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ। एंड ये इसके ऊपर MRP तो 299 लिखी हुई है, बट ये आई थिंक 50 rupees में मैंने ये कॉम्पैक्ट परचेज किया है, स्ट्रीट स्ट्रगलर कॉम्पैक्ट पाउडर, मैट प्लस पोरलेस, सो या, एंड आपको मिरर भी मिल जाता है, एंड दिस इज द प्रोटेक्टिव शील्ड, एंड हियर वी हैव दिस स्पॉन्ज एज वेल। मैं स्पॉन्ज को नहीं यूज करने वाली हूँ, अब मैं यूज करूंगी, ओके, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग। दिस ब्रश सेट जो मैंने परचेज किया है आई थिंक 150 rupees में, एंड ये ब्रश सेट की क्वालिटी मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी अच्छी होएगी, ठीक है, लाइक लुक वाइज ही मुझे इतने पसंद आए ना ये ब्रश का सेट। यू कैन सी ये सब ब्रशेस मैंने 150 rupees में परचेज किया, कितना प्यारा कलर है ना, मतलब पेस्टल ग्रीन सा कलर है, एंड इसमें आपको डिफरेंट ब्रशेस मिल जाते हैं, ठीक है, यू कैन सी कितने सारे फेस ब्रश हैं, एंड उसी के साथ आपको आईज के लिए आई शेडो ब्रशेज भी मिल जाते हैं। कितने ब्रश हैं ये, 12 pieces ऑफ ब्रश सेट, क्या मैं बोल रही हूँ, ओके जी। नाउ मैं इसके साथ ना, ये थोड़ा सा फ्लफी ब्रश है, इसके साथ मैं पाउडर कर लेती हूँ अपने फेस को, थोड़ा सा ये टूटा पड़ा है, बट दिस पाउडर सीम्स वेरी सॉफ्ट। एक बार मैं अपनी अंडर आईज के पास जो कंसीलर लगाया उसको थोड़ा सेट करूं, या दिस रिमाइंड्स मी कफ्स एंड लैशेस का पाउडर, उसके जैसी फ्रेग्रेंस है इसकी,
दिस इज नॉट अ पाउडर ब्रश बट नॉट बैड. आई लाइक दिस कॉम्पैक्ट पाउडर. वो क्या रहा है, हर चीज बहुत अच्छे से जा रही है. ओके जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ब्लश. आई हैव दिस मिस एडीएस 4 कलर ब्रश ब्लश. यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड ये भी कुछ 52 रुपीज में मैंने परचेज किया इसको. एंड लेट मी ओपन दिस. बहुत पुराने टाइम पे ऐसे ही आते थे ना, रियल स्ट्रगल. ओके, यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले ब्लश है एंड 2 शेड नंबर है. इसमें ये ब्रश भी मिल जाता है जो कि किसी काम का नहीं है, बट इसमें आपको मिरर भी मिल जाएगा. सो लेट मी अप्लाई माई ब्लश. मैं इसी पाउडर ब्रश के साथ ही ब्लश को अप्लाई करने वाली हूँ. इसमें बहुत ही सटल से 4 शेड्स आपको मिल जाते हैं. एंड आई एम गोना अप्लाई दिस कोरल शेड जो मेरे टॉप के साथ भी मैच हो जाएगा. कोई हाइलाइटर होता है इसमें, हाइलाइटर नहीं है. 4 शेड्स ही आपको मैट पाउडर ब्लश मिल जाते हैं. यू कैन सी आई थिंक दिस ब्लश इज लुकिंग वेरी नाइस. ठीक है, प्रोडक्ट इज दिस आई शेडो पैलेट विच इज फ्रॉम हुडा ब्यूटी. दिस इज न्यू न्यूड, या न्यू न्यूड करके एक ब्रांड है उनकी. ये आई शेडो पैलेट है एंड लेट मी ओपन दिस. ओके, उल्टा पैकेजिंग था. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यू कैन सी जो हुडा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट आती है ना, बिल्कुल वैसा ही है जो उनकी न्यू आई शेडो पैलेट है. बट लुक एट दिस यार, लिटरली उन्होंने कॉपी किया है. यू कैन सी ये हुडा ब्यूटी, दिस इज हुडा एंड हेयर वी हैव आर पैलेट. आई थिंक शेड्स काफी ज्यादा यू नो मैट एंड काफी न्यूड शेड्स हैं, मुझे अच्छे लगे. यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है एंड यू कैन सी अब दिस शेड स्पैंट दिस शेड राइट हेयर. ये यूज करने वाली हूं मैं. ओहो, ओके, मैंने फिंगर के साथ ही ब्लेंड कर लिया. बहुत अच्छे से फिंगर के साथ ब्लेंड हो गया बिकॉज कोई ब्रश है ही नहीं. यू कैन सी, ठीक है, इसको मैं यूज करने वाली हूँ. दिस इज गोल्डन ग्लिटर. से यू नो एकदम प्रेस हो गए हैं और ये आई मेकअप क्या है मुझे नहीं पता, बट सभी कलर्स को ट्राई करने के चक्कर में मैंने हर चीज अप्लाई कर ली. ओके जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू काजल मस्कारा एंड आईलाइनर. यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अगेन मैक से है, मैक लिक्विड लास्ट मस्कारा एंड मैक लिक्विड लास्ट आईलाइनर. यू कैन सी ये दोनों ही मुझे कुछ 54 रुपीज में मिले. या इफ आई एम नॉट रॉन्ग 54 रुपीज में मिले. बट इससे पहले मैं ये वाला काजल अप्लाई कर लेती हूँ. भी एडीएस का ही है. सबसे पहले मैं काजल ही अप्लाई कर लेती हूँ. ओके जी, नाउ लेट्स ओपन दिस आईलाइनर सबसे पहले, फिर मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी. लाइक समथिंग लाइक दिस यू कैन सी. मस्कारा मंगवाया था ना वो, तो ये बिल्कुल नहीं है बिकॉज मैंने आईलाइनर ऑर्डर ही नहीं किया था. ठीक है, और आई हैव दिस आईलाइनर जो मुझे 50 रुपीज के कॉम्बो में मिला था. मैंने सिर्फ मस्कारा ऑर्डर किया था. मैं पिक्चर डाल दूंगी कौन सा वाला ऑर्डर किया था, बट वो तो आया ही नहीं मेरे पास. मेरे पास ये मैक वाला आ गया, बट आई एम नॉट गोना यूज दिस वन जो ऐसे ही आ गया अपने आप मुंह उठा के, ये वाला. ठीक है, ये वाली पैकेजिंग वाला आई एम नॉट गोना यूज. लेट्स अप्लाई. ओके, ओके, ये आईलाइनर ग्लिटर के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है. एक बड़ा भयंकर सा विंग आईलाइनर ड्रॉ हुआ है. मस्कारा फ्रॉम मैक हॉट एंड नॉटी लैशेज. यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड लेट मी ओपन दिस. आई विश ये काम कर जाए. ओके, इट्स वेरी वेट. सो एज एक्सपेक्टेड ये काफी ज्यादा चीप क्वालिटी का लग रहा है. थैंकफुली कोई चीज तो मिली जो मुझे पसंद नहीं आई, अदरवाइज अभी तक सब चीजें ऐसी लग रही थी कि ओके, प्राइस पॉइंट को कंसीडर करके हर चीज ठीक ठाक लग रही थी.
दिस लिपस्टिक, ये लिपस्टिक हम सबको पता है, ये रेने ने निकाली थी ना पुशअप लिपस्टिक 5 in 1, तो ये उनका ही कॉपी किया हुआ है या फिर रेने ने इनको कॉपी किया होगा। सो ये कुछ 50 rupees में मिली थी मुझे विद दैट काजल। यू कैन से दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, सो लेट्स ओपन दिस 5 steps मैट लिपस्टिक। ठीक है, सो या यू कैन सी, ठीक है, जो ऊपर वाला शेड है ना, मैं इसी को कोरल सा, ये शेड है, इसी को अप्लाई कर लेती हूँ। What do you guys think? मुझे बताओ भाई कमेंट करके। That's it for today's video guys. I hope आप लोगों के लिए वीडियो एंटरटेनिंग रही होगी। लाइक मुझे आई शेडो पैलेट ठीक ठाक लगी, इतनी अच्छी नहीं लगी है बिकॉज ऑफ द कलर्स, और बहुत ही सिमिलर परफॉर्म कर रहे थे वो, बट दिस लिपस्टिक, दिस फील्स वेरी क्रीमी एंड बुरी नहीं लग रही है, लाइक फॉर्मूला इनका इतना बुरा नहीं है। सो या मस्कारा बिल्कुल बकवास निकला, डिटर्जेंट की स्मेल वाला, एंड लुक एट दिस लेंसेज, ये लेंस कौन पहनता है ये वाला कलर। एंड या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वाली जो वीडियो जिसके ऊपर मैंने इतने पैसे बर्बाद किए आप लोगों को मजेदार लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कॉमेंट डाउन करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना, आपको आप लोग क्या सोचते हो इस लुक के बारे में जो मैंने क्रिएट की है। एंड आई लव दिस नेल्स, ये वाले नेल्स मुझे अच्छे लगे, ठीक है, बट साइज बड़ा छोटा है इनका, बट या ऑल एंड ऑल आई थिंक नॉट बैड, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, सच बताऊं बिल्कुल अच्छा लग रहा, अभी जाके फटाफट से मैं मुंह धुलने वाली हूँ। या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये वाले ब्रश जो है इनकी जो है काफी सॉफ्ट लग रहे हैं, बट बहुत ज्यादा फ्लिम्सी से हो रहे हैं यहाँ से इनकी नेक से, ये काफी ज्यादा हिल डुल रहे हैं। सो इफ यू आर अ बिगिनर, अगर आपको वैसे बच्चों मेकअप का शौक है, ये वाला ब्रश किट आप ले लेना, ब्रश सेट आप ले सकते हो। अदर देन दैट कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट इसमें जो मैंने यूज किए हैं वो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज हु नोज इनमें क्या क्या डला हुआ है जो आपकी स्किन को हार्म भी कर सकता है। दिस वीडियो वॉज प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट, आई डोंट नो ये एंटरटेनमेंट के लिए था भी ये वीडियो कि नहीं, बट मैं ना इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोज देख रही थी जो मतलब मीशो से ट्राई कर रहे हैं चीपेस्ट मेकअप। देखो भाई कैमरा के ऊपर बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है लेकिन एक्चुअल में वो इतनी अच्छी नहीं दिखती है, ना ही वो होती है, ठीक है। तो ये कैमरा के पीछे की जो सच्चाई है ना उसको दिमाग में रख के हर चीज किया करो। बाकी ये मेरी जो लुक है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड ये आईलाइनर काफी अच्छा है। बाय 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 गाइस बाय। सब कुछ बहुत गंदा लग रहा है, मैं सब चीजें धुलने वाली हूँ। लुक एट दिस फेस, आई एम लुकिंग वेरी बैड। बाय।